दोस्तों तो कैसे हो आप लोग? धन्यवाद यार, धन्यवाद यार, थैंक यू सो मच भाई लोग। जितने आपने प्यार दिया ना, उसको तो मन कर रहा है 10 सीनों में दिल बना दो, उसके अंदर फिट कर लो तुम्हारा प्यार। बीच में थोड़ी सी गालियां भी मिली पर उनको रखते हैं साइड में भाई। तो भाई जैसे कि आपको पता ही है कि 100 में से 2-3 तो खराब होंगे और वो सबको जरूर खराब करना चाहेंगे, पर जो भाई खराब होना चाहते वो उनके जिले पड़ जाता, तो उनको रहने दो यार। तो भाई देखो सब तो अच्छे नहीं होंगे तो गालियां भी मिलने वाली है, प्यार तो आप लोगों को तो मिल ही रहा है यार, पर रहने दो, बस ऐसे प्यार करते रहो। तो गालियों को तो रखते साइड में। तो थैंक यू सो मच भाई लोग, जितना आज भाई आज आपने लाइव शो में जितना प्यार दिया ना, मैं कभी उम्मीद नहीं थी यार, सच्ची नहीं थी यार, मैं बता दूं यार। तो थैंक यू सो मच ब्रदर। और भाई इतने अदर अपना यार, जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो कभी ऐसा ना बोला करो यार, भाई तू भूल गया वगैरह भूल गया, तो भाई प्लीज मत बोला करो यार, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए आता हूँ। और भाई आप पुराने व्यूअर्स, आपने मुझे सपोर्ट किया, जो मेरे को यहाँ तक पहुँचाया यार, मैं आप लोगों को कभी नहीं बोलूँगा यार, किसी से कह रहा हूँ कभी नहीं बोलूँगा। तो दोस्तों यार देखता हमने प्यार दिया, मैं तो उसको मैं बता ही नहीं सकता। तो यार दोस्तों हमने आज जैसे कि हमने संबल को देख के पता लगा लिया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 3 टॉपिक के बारे में। एक पहला कि कस्टमर रूम होता क्या है, फैन में कस्टमर रूम होता क्या है, और दूसरा हम कस्टमर रूम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। भाई ये किसी को नहीं पता, मैं मतलब 10% में से समझ 100% में से ओनली 95% पे पता होगा भाई, और बाकी सब को स्ट्रीम में पूछने से मैं बना रहा हूँ। और तीसरा टॉपिक है हम अपना खुद का कस्टमर कैसे बना सकते हैं, तो भाई उसके बारे में बताएंगे आगे वीडियो में। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, भाई जरूर बताना कमेंट में वीडियो कैसी थी। तो देखिए भाई वीडियो बताएंगे हम आगे क्या क्या आपको करना है, तो प्रोजेक्ट टॉपिक के बात करने वाले। तो यार प्लीज आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब करो बहुत जल्दी 1K तक पहुंचा दो भाई, बहुत करे प्लीज पहुंचा दो 1K प्लीज दो। तो इसी बात पे चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद हो आप अच्छे हो गए। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि भाई 3 टॉपिक के बारे में कि हम किस किस के बारे में बात करने वाले हैं, तो 3 टॉपिक के बारे में। तो भाई फर्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं, तो फर्स्ट टॉपिक के बारे में तो भाई कस्टमर रूम क्या होता है। तो व्यूअर्स मैं आपको ये बता दूं भाई, कस्टमर रूम वो चीज़ होती है कि भाई जिसमें आप पूरे मतलब जो जो बंदे हैं, मतलब जैसे कि हम अभी ऐसे खेलते हैं, तो भाई जैसे स्क्वाड में खेलते हैं, अगर कस्टमर रूम स्क्वाड का है तो हम जैसे कि हम सिंपल खेलते हैं स्क्वाड, तो स्क्वाड में बहुत सारे बॉट आ जाते हैं, बॉट को भाई मारना बहुत आसान होता है, वो हम ऐसे मार देते हैं, कोई कोई भाई जैसे कि हम जैसे खेल रहे वैसे आ जाता है, ठीक है ना। तो हम ऐसे मतलब विन भी हो जाते हैं, कहीं कहीं मर भी जाते हैं, तो बॉट को मारना क्या हेडशॉट कोई भी ले लेता है, तो भाई लोग ऐसे मतलब इसमें हम जीत भी जाते हैं। पर कस्टमर रूम में क्या होता है दोस्तों कि कस्टमर रूम में अगर आप खेलोगे तो खेलने के बाद भाई वहाँ पे एक भी बॉट आपको देखने को नहीं मिलने वाला। अगर आपको बॉट एक भी नहीं दिखेगा भाई, वहाँ पे सब एक से खिलाड़ी, एक से प्रो के बाप वगैरह सब देखने को वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों कस्टमर रूम में बहुत मजे आते हैं, और मैं आपको स्टार्टिंग बता दूं यार, सेकंड पॉइंट में हम बात करने वाले कि हम कस्टमर रूम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यही एक कस्टमर रूम का मतलब कस्टमर रूम क्या होता है, जैसे कि मैंने बता दिया, आप देख सकते हो कि सामने एक बॉट है, बॉट भी साला अच्छी तरीके से निशाना नहीं लगा पा रहे, बस यही फायदा होता है भाई। और ये सामने बॉट है, अब इसके नहीं बॉट नहीं है भाई, बॉट नहीं है, दो खिलाड़ी मतलब बॉट नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। तो भाई जो मतलब आपको बॉट दिख जाएंगे, आपको दिखा दो बॉट कैसे, तो भाई वही फायदा होता है कि कस्टमर रूम में भाई मजा आता है। अब आप कस्टमर रूम में स्क्वाड करके खेल सकते हो, डियो करके खेल सकते हो, उसका सोलो करके खेल सकते हो, तो भाई बहुत मजे आपको वहाँ पे आते हैं भाई, कोई भी वहाँ पे बॉट आपको देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में कि कस्टमर रूम हम ज्वाइन कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए दोस्तों चलिए आपको मैं बताता हूँ कि कस्टमर रूम हम ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों कई किसी को बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि जैसे कि यहाँ पे क्लिक करते तो यहाँ पे कुछ भी दिखता नहीं, पर वो भाई आप एकदम ध्यान से देखते हो नहीं देखने बाद है, पर कोई कोई ऐसा है भाई जो नीचे वो लिखा एकदम स्मॉल में लिखा रहता है, एकदम राउंड के टाइप की कस्टम ऐसा लिखा होता है, वो देख नहीं पाते, तो दोस्तों उनको मतलब आने में बहुत मुश्किल होती है। तो भाई आपको एक सिंपल भाई एकदम लास्ट में आपको कस्टमर रूम दिख रहा होगा उसको क्लिक कर देना, जैसे कि यहाँ पे लिखा है भाई नो रूम अवेलेबल, भाई मतलब एक भी रूम कोई भी अवेलेबल नहीं है। भाई देखो जैसे कि अगर कोई यूट्यूबर या कोई भाई जैसे कि कोई रूम बनाता है, तो रूम बनाता है सपोज ज्ञान भाई का एग्जाम्पल ले लो, जैसे ज्ञान भाई एक बनाते हैं अपना कस्टम रूम, तो कस्टम रूम में भाई बनाने के बाद वो एक जैसे क्रिएट करते हैं, जैसे सोलो मैंने जैसे आपको बता दिया कि कस्टम में कोई भी मॉड वो नहीं आता, मतलब मॉड वगैरह कोई नहीं आता, बस उसमें सब अच्छे प्लेयर होते हैं। तो जैसे वो करते क्रिएट, तो क्रिएट करने के बाद क्या होता है दोस्तों यहाँ पे एक पूरा आ जाता है,
जैसे कि उनके आइडिया बता देंगे वो, जैसे कि ज्ञान भाई है तो वहाँ पे करके क्रेड आ जाएगा। तो क्रैक करने का दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हो स्टार्टिंग में अभी ये वर्किंग में, तो दोस्तों देखो वर्किंग में मतलब देखो अगर हम इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ज्वाइंट ऑप्शन आता है। तो ज्वाइंट करने के बाद जो इस जिसने कस्टमर बनाया तो उसको ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे की मांगेगा। क्या की भाई, जो मतलब जिसने बनाया तो आपको उससे जाके पूछना पड़ेगा या की कौन सा, या अगर आप उसकी लाइव स्ट्रीम देख रहे हो तो उससे आप पूछ सकते हो कि कौन सा है, ठीक है ना दोस्तों। दस लोग वन 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 ऐसे कुछ डाल देते हैं, फिर तो ये भाई जिसका वो देखते हैं। और यहाँ पे हम क्रिएट करने के बाद देखो रॉन्ग पासवर्ड दिखा रहा है, तो भाई ऐसा नहीं है, मतलब आपको यही करना पड़ेगा जिसकी लाइव स्ट्रीम चल रही है उससे देखना पड़ेगा, वो पासवर्ड बता देगा। बस आपको क्लिक करना होता है और वहाँ पे जैसे ज्वाइंट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे पासवर्ड लिख दोगे, पासवर्ड जैसे लिख दोगे वैसे ही कंफर्म की तरफ दबा दोगे तो आप डायरेक्ट उसके रूम में चले जाओगे। तो वहाँ पे आप खेल सकते हो, वो पूरी लाइव स्ट्रीम वो जो जिसने क्रिएट किया रूम वो आप लोगों को देखता है कि भाई आप किस तरह खेल रहे हो। तो ये तो दोस्तों यही था एक दूसरा मतलब टॉपिक, क्या भाई कस्टमर के अंदर हम कैसे अंदर जा सकते। तो चलिए इसी बात पे करते हैं तीसरे टॉपिक के बारे में बात, कि हम अपना खुद का कस्टमर कैसे बना सकते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों आपको मैं बता दूं कि कस्टमर हम कैसे खुद का बना सकते हैं। तो दोस्तों पहले बात तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि आप खुद का कस्टमर कभी नहीं बना पाओगे, ठीक है दोस्तों। आप मेरे को पता आप गाले भाई तो दोगे यार, क्योंकि तुमने थंबनेल में लिखा हाउ टू मेक द कस्टमर वो भी फ्री। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बस आपको बताने के लिए आपको इसलिए मैंने ऐसा किया था दोस्तों कि भाई देखो कस्टमर जैसे कि हमें जो मिले थे, जो मैंने लाइव स्ट्रीम करी थी उसमें कस्टमर आपको मैंने आपको सबको दिखाए थे कि कस्टमर कैसे आपको बनाए। तो भाई हम आपको सीधे सीधे बता दें कि भाई ऐसा कोई नहीं है भाई, अपन मेरे को ऐसा सुनाई दिया है भाई लोग कि आप लोगों के लिए भी कम से कम एक महीने या आधे महीने में, एक महीने के बाद आपको सबके पास कस्टमर के ये कार्ड्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये कस्टमर के कार्ड्स भाई जो जो बड़े बड़े यूट्यूबर है, आई थिंक भाई जो जो बड़े यूट्यूबर है किस किस को मतलब जानते, तो भाई वो सब कार्ड्स अपने फ्री फायर टीम वालों ने दिए भाई, सबको 10-10 कार्ड दिए हैं। और ज्ञान भाई ने भी बहुत हेल्प किया, ज्ञान भाई ने हमें मेरे को दिए थे। और भाई जैसे कि फ्री फायर तो दे रहे हैं सबको कार्ड्स, तो भाई वो बस उन सबको दे रहे हैं जो जो बड़े एक यूट्यूबर है, मतलब जिसके अच्छी खासी वॉचिंग आती है भाई, जिसके 200 या 100 वॉचिंग आती है भाई, उन सबको दिया जा रहा है कस्टमरों के कार्ड्स, वो भी 10। तो भाई जैसे कि मेरे को 10 मिल गए थे तो मैंने सबको यूज़ कर दिया, आपके साथ में खेला वगैरह, तो भाई आपको पता है। तो भाई उसमें क्या करना पड़ता है भाई, देखो कस्टमर तो मैंने आपको सीधे सीधे बता दिया कि कस्टमर किसी को मिलने वाले नहीं है, यहाँ पे आप किसी का खुद का क्रिएट नहीं कर सकते। तो दोस्तों खुद का क्रिएट तो आप जब भी करने वाले के भाई एक महीने या दो महीने में सबको भाई कस्टमर के साइड से कार्ड मिलने वाले हैं, ऐसा पता हम गारंटी से तो कह नहीं सकते, पर ऐसा बता रहे हैं भाई, क्या मतलब मिल भी सकते हैं। तो यार इसमें मैं माफी मांगना चाहूंगा, पर दोस्तों जैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई हमें कस्टमर कहाँ से मिले थे, और भाई मतलब जो जो बड़े यूट्यूबर है जो लाइव स्ट्रीम करते हैं, और भाई उनके तरफ से अपने फ्री फायर के टीम की तरफ से भाई उनको ऑप्शन आया था कि भाई तुम लाइव स्ट्रीम करो और भाई हम तुम्हें कस्टमर देंगे, हम सबको खिला सकते हो। तो भाई ऐसा कुछ तरह का आया था, तो भाई जैसे कि हमें सबको मिले थे भाई, जो जो बड़े बड़े यूट्यूबर उनको सबको मिले थे भाई, गैलेक्सी ब्लैक आर्मी रेते ज्ञान भाई मैं भाई सबको मतलब सबको मिले थे, ठीक है ना भाई, जो जो बड़े बड़े यूट्यूबर सबको मिले थे। और उसके बाद भाई कस्टमर भाई जो जो नॉर्मल पीपल है भाई उनको भी अगर वो लाइव स्ट्रीम करते वगैरह करते तो उनके अगर व्यूज नहीं आते होंगे, इसलिए अगर उनको कस्टमर नहीं मिलेंगे भाई, इस कारण गारंटी से बात नहीं कर सकते। तो दोस्तों अगर आपको कस्टमर के बारे में बात करनी है तो भाई आप मेरे को तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो दोस्तों जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी। तो दोस्तों इसी बात को हम करते वीडियो खत्म। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करो यार, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करो भाई, जल्दी से 1K तक पहुँचा दो भाई लोग जल्दी से यार। प्लीज अगर कोई भी वीडियो में गड़बड़ वड़बड़ हुई होगी तो प्लीज माफ कर देना यार, मेरे जो सच्चाई थी मैंने आपको बता दी। अगर आपको फेक वीडियो लग रही होगी तो आई एम रियली सॉरी भाई, मैं दिल से सॉरी कहता हूँ। तो भाई चलो इसी बात को करते वीडियो स्टॉप। और भाई लोग जो जो नए हैं यार प्लीज सब्सक्राइब मारो जब भी भाई की वीडियो चलने वाली है आप लोगों को पता है। तो चलो यार मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय, सी यू सून। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. My local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap, talking the truth and that stab in my back, they will knock me off track.